હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 5 દિવસના હવામાનને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં કેટલાક સ્થળોએ ઠંડા પવનો સાથે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને તાપીમાં વરસાદની આગાહી છે, તો આગામી 16 અને 17 માર્ચના રોજ ઉત્તર ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે, જેમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદની સંભાવના છે, જેથી ખેડૂતોને તેમનો તૈયાર પાક સલામત સ્થળે રાખવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે, જ્યારે આ સાથે કેટલાક જિલ્લાઓમાં હીટ વેવની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. भी नेक्स्ट फ्राइडे देखा है गुजरात सिटी में, ऑल फ्राइडे से हम आइसोलेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सौराष्ट्र कच्छ में देखा जाए डे टू डे आइसोलेट रही है और थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी है गुजरात सिटी में ऑल फ्राइडे से लेकर ऑल फ्राइडे नहीं अप टू डे थ्री ऑल डे टू डे थंडरस्टॉर्म वार्निंग एंड सौराष्ट्र कच्छ में डे टू डे थ्री थंडरस्टॉर्म वार्निंग एंड यहाँ पे रेनफॉल इंडेक्स देखा जाए डे थ्री डे फोर में हम लाइट टू मॉडरेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरा गुजरात सिटी में और अभी मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है 24 आवर्स के लिए नॉन आ जाएंगे इसके बाद 200 डिग्री पूरा सेट में फॉलो जाएंगे बिकॉज अभी भी अप्रोच में मॉइस्चर आ जाएंगे एंड क्लाउड भी देखो अभी देखा जाए डे वन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं साउथ गुजरात में एक्सपोर्ट कर रहे हैं डे टू से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट ईस्टर्न गुजरात साउथ गुजरात में पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में आ जाएंगे एंड डे थ्री में थोड़ा बढ़ जाएंगे उसमें लाइट वाला ट्रेन भी होगा उसमें पूरा नॉर्थ गुजरात आ जाएंगे.